जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे, कसम से क्या सोच रही हो तुम? जितनी गहरी सोच फैसला उतना ही मुश्किल। देखो क्या जाने, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें अपनी साजिश को जल्द से जल्द अंजाम देना होगा। हम इंतजार नहीं कर सकते, इनफैक्ट इंतजार करें हमारे दुश्मन। राइट, घूम लो घूम लो, जिस दिशा में जाओगी बानी ही बानी नजर आएगी। जिज्ञासा आंटी, आपको मेरे लिए सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। वो इनविटेशन कार्ड जो मिस्टर वालिया बानी दी को देना चाहते हैं, सिर्फ वो इनविटेशन कार्ड मेरे पास ले आइए। उसके बाद खेल शुरू होगा। बट वो इनविटेशन कार्ड हमारा हुक्म का इक्का है। काम है तो बड़ा मुश्किल, लेकिन करना पड़ेगा ना। ठीक है, हो जाएगा। भैया तुम बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है, सोच के क्या रखा है? क्या बात है मिस्टर वालिया, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ये पार्टी का इनविटेशन कार्ड है और कल अपने हाथों से मैं ये कार्ड बानी को देने वाला हूँ। And I'm dead sure अपने बच्चों के जन्मदिन के लिए वो जरूर आएगी। रानो क्या कल तक तुम ये कार्ड संभाल के रख सकती हो? Of course मिस्टर वालिया, दीजिए। Thanks. You're welcome. दादी, मैं एक मिनट में आई हूँ। हाँ। आप दोनों के रिश्ते की मिसाल देती है दुनिया। आज मेरी आपसे प्रार्थना है कि मिस्टर वालिया और दीदी का रिश्ता भी बरकरार रहे। इस कार्ड को आशीर्वाद दीजिए। अब यही दीदी और मिस्टर वालिया को एक कर सकता है। आशीर्वाद दीजिए कि उनके बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाए और वो फिर से एक हो जाए। उनकी जोड़ी हमेशा आप ही के जैसे बनी रहे। Thank you.
रणवीर तुमने बुलाया? ये क्या हो गया? अरे रानो वो अंदर पानी चला गया। मैं कब से रामू को बुला रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया, इसलिए तुम्हें बुलाया। यू प्लीज हेल्प मी ना, और ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, कम ऑन। ओके आई एम सॉरी, रुको मैं साफ कर देती हूँ। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, बाल फंस गया। टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इंतहां, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा दे कोई जान भी। ये गलत है, दिल पर हम ऐसा नहीं कर सकते। दिल पर पे हो न कोई, अब मैं अपने दिल को नहीं रोक सकता। ये सोचना, ये महसूस करना, ये सब गलत है। I love you, Rana. ये कैसा कार्य है, लिखा क्या है इसे? आप खुद ही देख लीजिए। दोस्तों वक्त के साथ यहाँ बहुत कुछ बदल गया, नजरिए बदल गए, प्यार का अफसाना बदल गया। ये वालिया हाउस की बिल्कुल नई कहानी है जो जय ने दिल से मानी। मोहब्बत, जय की पिया से मोहब्बत, जिन हालात से गुजरते, जो रास्ते कभी अलग वो है इस मोड़ पर मिलते। वालिया हाउस में उनके मिलन का जश्न मनाया जाएगा। वक्त का वो मंजर इस निमंत्रण के दिन आएगा। सो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन एज वी अनाउंस अवर मैरिज। जय वेड स्कूल। ये वही इनविटेशन कार्ड है जो आप मिस्टर वालिया खुद अपने हाथों से हमारी प्यारी बानी दी को देंगे। आगे क्या होगा ये तो बताने की जरूरत ही नहीं। Oh my God, Pia, you are too good. You're a genius. तुम अपनी शादी का न्योता भाने के पास भेज रही हो, और वो भी राजा के हाथ। You are unbelievable. Oh my God. बेचारी रानो, उसको तो शायद पता ही नहीं है कि कृष्ण जी ने रुक्मिणी से शादी तो की थी, लेकिन उनके साथ हमेशा राधा का ही नाम आता है। और इस घर की राधा कौन है? पिया वालिया। हमारे बीच जो हुआ
मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। जब मेरी राशि से शादी हुई थी तब मैं उस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। जानती हो राशि ने हमें क्यों मिला? क्योंकि वो हम दोनों को खुश देखना चाहती थी। अपने जाने के बाद भी वो मेरी जिंदगी में प्यार देखना चाहती थी, और वो प्यार तुम हो। I love you, Rana. तुमसे शादी कभी नहीं करेगा। करना इज राइट बेयर, तुम्हारा प्लान है तो रॉकेट, लेकिन नहीं होगा, प्रैक्टिकल नहीं है। हाय तो अब बानी दी को लगेगी, क्योंकि उनके इस घर में आने से पहले मैं मिस्टर वालिया से शादी कर लूंगी। बानी दी तो दुर्गा दास गुप्ता बन के बैठी हुई है, लेकिन बहुत हो गया। मिस्टर वालिया उन्हें मना लेंगे, इस घर में ले आएंगे, ये सब सुन के मेरे सर में दर्द हो गया है। इसलिए अब जो भी करना है मैं करूंगी, क्योंकि आफ्टर ऑल आई स्टिल हैव द एस ऑफ माय स्लीव, वो कॉन्ट्रैक्ट जो कहता है कि मैं मिस्टर वालिया के बच्चों की असली माँ, ऑफिशियल माता। उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मिस्टर वालिया मैं जो भी कहूँ करने को तैयार हो जाएंगे। असली मजा तो तब आएगा जब मैं उन्हें उस कॉन्ट्रैक्ट से धमकाऊंगी और कहूंगी कि उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है मुझसे शादी करने का। हाँ, एक और रास्ता है, लेकिन शायद वो रास्ता उन्हें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उस रास्ते में मैं उनके बच्चों को इस घर से उठाकर ले जाऊंगी। और आप लोग तो जानते हैं कि मिस्टर वाले अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकते, वो दुनिया में कुछ भी हो जाने देंगे लेकिन अपने आप को अपने बच्चों से अलग नहीं होने देंगे। इट्स प्रीटी सिंपल, लेकिन मैंने उन्हें अभी तक ये बताया नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अगर ये उन्हें पार्टी से पहले बता दूंगी तो वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, इसलिए ये मैं उन्हें पार्टी के वक्त बताऊंगी। और मजा तो तब आएगा जब बानी दी के सामने ये सारा ट्रंक होगा। You know what? तुम्हारी ये प्रेम कहानी अमर कथाओं में लिखी जाएगी। जय और प्रिया की प्रेम कहानी जिसमें बानी कहीं नहीं। काम डाउन जिज्ञासा आंटी, प्लीज उससे पहले हमें बहुत कुछ करना है, और सबसे पहले तो आपको ये इनविटेशन कार्ड जाके वहीं पर वापस रख देना है जहाँ से मिस्टर वालिया इसे उठाएंगे। कितनी मजे की बात है ना? अब मिस्टर वालिया जाएंगे बानी के पास मेरी और उनकी शादी का इनविटेशन कार्ड देने, लेकिन अक्षर कुछ बदले बदले। मुझे भी वैसा ही लगता है, लेकिन मैं राशि की गुनहगार नहीं बनना चाहती हूँ। ये तुम किसी और का प्यार हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने ये क्या कर दिया? क्या सोच रही है बेटा?
कुछ नहीं माँ, बीते हुए कुछ अच्छे पल याद आ गए जिन्हें मैं याद नहीं करना चाहती थी। तुम मत याद कर। लेकिन इतना तो सोच कि तेरी आने वाली जिंदगी में तेरे आने वाले पल और अच्छे। देख रही हूँ तेरी आंखों में नींद नहीं है, लेकिन बेटा जब नींद आएगी तभी तो सपने देख पाएगी तू, और जब सपने पूरे होंगे तभी तो सुकून की नींद आएगी। अब देख तेरे हाथ ये मटर छिलने को कर रहे हैं, तेरा दिल रसोई में जाने को कर रहा है, खाना बनाना चाहती है तू, और एक घर भी। शायद ये जिंदगी पहले तो जी चुकी है, दोबारा नहीं जीना चाहेगी। माँ मैंने अपने अंदर के उस हिस्से को ही मार दिया है जो रेत के घर बनाता है। जब एक बार भरोसा टूट जाए तो दोबारा करना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ हम विश्वास बार बार कर सकते हैं, मगर विश्वास खाते की बात पर जिंदगी तो ऐसे नहीं देखा करते बेटा। हर रिश्ते का दूसरा पहलू होता है, तो ये मत देख कि जिंदगी के कितने दरवाजे बंद हैं, लेकिन ये देख एक और दरवाजा खोल दिया है भगवान ने तेरे लिए। कहते हैं ना कि एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रात के अंधेरे में मत देखो, सुबह का इंतजार भी कर। चल छोड़िए कल की बातें, आज तो रसोई में जा और अपने हाथों से कुछ बना, तेरे हाथों का स्वाद चखना चाहती हूँ। ठीक है, कोशिश करती हूँ। आदत छूट गई है ना? आदत भले ही छूट जाए लेकिन फितरत नहीं छूटती। दादी क्या बात है, आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रही? आज भी बहुत खुश हूँ पुत्र, दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई मेरे को, सारी मुरादें पूरी हो गई। मैं कुछ समझा नहीं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अरे रानू रणबीर ना, सालों से साथ तो रह रहे थे लेकिन साथ रहते भी साथ नहीं थे दोनों, लेकिन अब साथ हो गए, पति पत्नी बन गए दोनों। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। दोनों को अपनी मंजिल मिल गई है, यानी जोड़ी बन गई उनकी, जिसे तुम्हारी और बानी की, राम और सीता की। क्या जोड़ी दादी, बानी तो मेरे साथ है ही नहीं, पता नहीं कब वो मेरी जिंदगी में वापस आएगी। सर खाना तैयार है। थैंक यू। आओ दादी खाना खाते। किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इस घर में कभी किसी के पैर तले जमीन खिसक जाती है तो कभी किसी के सर पर आसमान फूट पड़ता है। भगवान जो भी देता है यहाँ छप्पर फाड़ के देता है। लेकिन अब तो इस घर में बहुत कुछ बदलने वाला है। द्वापर युग चल रहा था, अब पियावर युग आएगा। तो चलो पियावर युग के आगमन की शुरुआत। सब लोग भोजन कर रहे होंगे, मैं जरा भजन करके आती हूँ। जय हो श्री राधा कृष्ण की। पिया। हेलो मिसेस वालिया, आई होप दिया मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। नो नॉट एट ऑल, हम तो बस यूं ही बैठे थे। तुम बताओ। मैं तो बस तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहती थी, मेरी जिंदगी का सबसे स्पेशल दिन बस आने ही वाला है। यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, तुम्हें बताने से रोक नहीं पाई अपने आप को। इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी एंड मिस्टर वालिया। सबसे स्पेशल दिन, यही बताने के लिए तो फोन किया था। मैं और मिस्टर वालिया कल पर्सनली तुम्हारे घर आएंगे उस स्पेशल डे के अनाउंसमेंट का इनविटेशन कार्ड देने। ओके बाय बाय, टेक केयर। अजीब वो गरीब होती है, कुछ लोग उम्र भर साथ रहते हैं लेकिन उनके बीच एक पल की दोस्ती नहीं होती, और कुछ लोग एक ही पल उम्र भर की दोस्ती। भाभी जी ये
मिसेस वालिया आपकी बहुत करीबी दोस्त लगती है। हाँ देव भैया, एक्चुअली मुझे मिली तो थोड़े दिन पहले ही थी, पर आई लाइक स्वीट गर्ल। इनफैक्ट वो दोनों कल आ रहे हैं, वो और उसके हस्बैंड मिस्टर वालिया। हमारे घर को इनविटेशन है, उन दोनों की जिंदगी में कोई बहुत स्पेशल दिन। फोन पे तो काफी एक्साइटेड लग रही उमंग, उत्सव का वक्त आन पड़ा है वालिया हाउस में।